दुख दिखाई नहीं दे रहा। नौजवानों के रोजगार की बातें यहाँ पे नहीं हुई है और गरीबों की पेंशनें बंद करके रेफ्यूजियों को पैकेज जो डिफरेंशियल पैकेज देना था उसका जिक्र कहीं पे नहीं हुआ। हवाई बातें यहाँ पे, और जम्मू कश्मीर का जो लोग हैं उनके भाषणों से उग चुके हैं, अब उनका कहीं पे भी पकड़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। वाल्मीकि समाज आज काफी मुकाबले की बात नहीं है, वाल्मीकि समाज आज काफी खुश नजर आ रहा है क्योंकि लंबे अंतराल के बाद अब उन्हें वोट कास्ट करने का हक भी मिला है। नहीं, अच्छी बात है, उसको तो हम भी यहाँ पे देते, लेकिन 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। हम कहाँ पे विरोध इन लोगों का करते हैं, वेस्ट पाकिस्तानी दूसरे वाल्मीकि हो, ये कब के यहाँ पे रह रहे हैं, किसके किसने इनको हटाया तो नहीं, यहाँ पे रह रहे हैं, तो कंसेंट तो हमारे लोगों की थी कि ये यहाँ पे रहे, क्योंकि इनको जो वाल्मीकि समाज है इनको लाया गया था जबरदस्ती, यहाँ पे कोई आदमी नहीं थे, व्यवस्था नहीं था, लेकिन 2/3 मेजोरिटी होने के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन ये फैसला यहाँ पे हो गया। हम सब लोग तो इनका स्वागत करते हैं। भाजपा लगातार ये प्रचार कर रही है कि कतरी में फर्क है, कल ही यहाँ पे नोटिफिकेशन निकली है गजट, उसमें ट्रांसलेटर की बात है, यहाँ पे पंजाबी लोगों के लिए लेक्चरर मास्टर की पोस्टें सब निकल गई, तो डोगरा में कहीं पे ट्रांसलेटर भी नहीं कर पाए। भाजपा मंथन करे कौन सी जिसने डोगरा प्रदेश खत्म कर दिया हो। कल की गजट आप देख लो जो छाया हुई है आपके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से, डोगरों के लिए तो कोई पोस्ट ही नहीं, वहां पे ट्रांसलेटर ही नहीं हुआ ये कर पाए। तो जब इनको ये पता चलेगा कि डोगरे को ये इन्होंने इस्तेमाल यहाँ पे किया और उनकी जमीन को उनकी गर्दोनी खत्म करके बाहर के लोगों को यहाँ पे दी है, तो कहाँ पे उनकी बातें को सीधे से। कांग्रेस और कांग्रेस का जो अलायंस है, जिस तरह क्या कांग्रेस से कोई नेता सीएम की कुर्सी तक पहुंचेगा, ये जब चुनाव हो जाए सब कुछ लोग बन जाए सीएलपी लीडर बन पाए ये प्रतिक्रिया होती है। सर, डिलिमिटेशन के बाद जिस तरह से आपकी सीट जो है अब आरएसपुरा हो गई है, तो कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं, लोगों ने बड़ा प्यार से हमें समर्थन यहाँ पे दिया, आशीर्वाद दिया, लेकिन मैं जाती तौर पे कि आरएसपुरे वाले लोगों के साथ भाजपा ने इंसाफ यहाँ पे नहीं किया, उनकी सीट सेपरेट, जम्मू जिले में कोई सीट बढ़ा नहीं पाए भाजपा, छाती तो 56 इंच की दिखाते हैं, आज लोगों को पता चला कि छाती जो है वो रमन बल्ला की है जो 112 इंच की लेके चूकूंगा और लोगों की हक की बातें करता है। लेकिन वो जो मोदी है तो मुमकिन है, वो फैक्टर दिख रहा है इस बार आपको इलेक्शन में? मुमकिन नहीं है, वो 400 का आंकड़ा पार कर 300 भी नहीं कर पे, 240 बैसाखियों के सहारे में जिस दिन महाराष्ट्र की सरकार यहाँ पे बने भी आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी नहीं होगा, लेकिन उड़ जाती है, ये लोग वेंटिलेटर पे है, जिंदा लाशें बने हैं, आत्मा से मर चुके हैं जो बुजुर्गों की पेंशन बंद करे। आप बताएं जिसके पास 90 कैंडिडेट खड़ा करने के लिए नहीं है, पार्लियामेंट में चुनाव करने के लिए 2 से ज्यादा आदमी नहीं है, दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो कहाँ पे 50 का आंकड़ा पार करेंगे ये? इसलिए कहाँ रात को भी सपने देखते देखते दिन को भी सपने देखना शुरू हो गए कि जिन लोगों के रोजगार छीन लें, 2014 के बाद रिक्रूटमेंट स्कैम दिए हों, बुजुर्गों की पेंशन बंद की हो, विधवाओं की पेंशन बंद की हो, आशा वर्कर्स का ऑनरेरियम ना बढ़ा पाए, कैजुअल लेबर को रेगुलराइज यहाँ पे लोग ये लोग ना कर पाए, तो हर जगह पे स्मार्ट मीटर लगा के लोगों का खून इतना चूसा है कि लोग अब माफ़ करने वाले नहीं है, देहातों में हो या जम्मू शहर में हो, हमारी ज़मीन, हमारा पानी, हमारे रिसोर्सेज और हम ही पे बिजली महंगी करके थोपी जाए, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है ये उनको पता नहीं चला, रोजगार कहीं नहीं है, 3 साल 4 साल हो गए हमारी रियासत के खजाने से पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आए हैं, बाहरी इन्वेस्टर कौन सा इन्वेस्टर जम्मू में आया है कि यहाँ पे हम लोगों को प्राइवेट जॉब भी दे पाए, तो कहीं पे भी इनकी करनी कथनी में बहुत, ये जम्मू कश्मीर में मौसमों के लिहाज से, जम्मू दिल्ली में अगर 50 डिग्री टेम्परेचर होता है जम्मू कश्मीर की वादियों में सैर करते हैं, शिकारा में घूमते हैं, गुस्ताबे खाते हैं, दे क्या गया, सबसे पहला कैबिनेट मिनिस्टर तो यहाँ पे आए थे प्रधानमंत्री आए, इनको पता है कि जम्मू कश्मीर में 25 आदमी भेजे थे वो सारे नकम्मे साबित हुए, तभी तो प्रधानमंत्री को 4-4 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, बदले में मिलेगा क्या वो आप 8 तारीख का इंतजार करें। लेकिन खड़गे साहब का बयान है कि करो आप यकीन, उन्होंने खुद कहा ये उनका बयान, हाँ सत्ता में आएगी पक्का आएगी आप बेफिक्र। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।